हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, हम लोग सुबह के मॉर्निंग में 6 बजे हम लोग करंट अफेयर लेके आ जाते हैं, जैसे आप लोग ज़रूर देखा करिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बहुत कुछ डेटा पॉइंट की न्यूज़ लाता रहता हूँ। तो हम लोग अपने न्यूज़पेपर से शुरुआत करते हैं। मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस या फिर डीडी न्यूज़ हो गया, एनडीटीवी हो गई, इन सब की न्यूज़ खबरें आपके लिए लेके आता हूँ। तो हम लोग अपने 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, आप लोग उसे पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, रिटेल फूड इन्फ्लेशन, जिसे खुदरा खाद्य मुद्रा स्फीति भी कहते हैं, वर्तमान समय में कितने परसेंट पहुँच गई है? तो आप सभी को पता होगा कि 6 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है प्रेजेंट टाइम में, और कितनी पहुंच गई है? 14.12% पहुंच गई है। ये दिसंबर 2019 का डेटा है, ठीक है, दिसंबर 2019 का डेटा है। क्या कहता है कि जो है, मैंने आपको पिछले जो क्वेश्चन में पढ़ाया था, वो पढ़ाया था कि रिटेल इन्फ्लेशन कितनी हो गई है, वो हो गई है 7.35%। बहुत ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे। अगर आपसे सिर्फ रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में पूछ रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में पूछ रहा है, तो हो जाती है 7.35% पहुंच गई है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो ये है। अगर आपसे पूछ रहा है रिटेल फूड इन्फ्लेशन पूछ रहा है, फूड इन्फ्लेशन में सिर्फ खाने पीने की चीजें आती हैं, आपको लिख भी रहा है कि फूड, लेकिन रिटेल इन्फ्लेशन में क्या होता है, खाने पीने की चीजें जो आती ही आती हैं, साथ ही साथ आपके जो डेली यूजर्स के लिए होता है, जैसे शैम्पू, कंघे, ठीक है ना, ऑयल वगैरह आप इस्तेमाल करते हो बालों में लगाने के लिए, वो सब भी इसमें आते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी क्या है, जो रिटेल फूड इन्फ्लेशन है वो 14.12% हो गई है, और ये 6 साल के अपने सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच गई है प्रेजेंट टाइम में। आपके सामने डेटा मैं दिख रहा हूँ, वो देखिएगा। एक्चुअल में ये जो डेटा है, ये दिखा रहा है कि आपका इन्फ्लेशन ही दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि पिछले 2018 से अगर 2019 की मैं तुलना करता हूँ, तो जो खेती का जो एरिया बढ़ा है वो आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आप वीट का देखोगे, मतलब गेहूं का देखोगे, तो गेहूं का जो पिछले साल का एरिया था और इस साल का जो एरिया है वो है 296 पहले हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर में खेती होती थी। अभी क्या है, अभी होती है 330 लाख हेक्टेयर में खेती होती है। अगर आप राइस का देखोगे, तो राइस में आपको मिलता है कि पिछले साल कितना होता था, पिछले साल होता था 18 लाख हेक्टेयर में, और इस साल कितना होता है, 21 लाख हेक्टेयर होता है। इसी तरह आप पल्सेस का देखोगे, पल्सेस मतलब दालें होती हैं, अगर आप पल्सेस का देखोगे तो 149 लाख हेक्टेयर पिछले साल अगर क्रॉप में, जितनी जमीन में क्रॉप होता था, इस साल कितना होता है, 157 होता है नियर अबाउट, ठीक है। तो ये आपको डेटा था जो मैंने आपको डेटा पॉइंट की न्यूज आपको बताई है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है, और साथ ही साथ जो जमीन का खेती वाला एरिया है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर खेती का एरिया बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन कम होना चाहिए था, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये खतरे का संकेत देता है, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा खतरे का संकेत देता है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, साई ने सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर केसेस को कितने हफ्तों में निपटाने का फैसला किया है? अभी आपको पता होगा कि जो है बहुत हर दिन खबर आ रही है साई की तरफ से, तो मैंने कहा इस क्वेश्चन को मैं जरूर कवर करता हूं। मैं 2-3 दिन से अवॉइड कर रहा था, लेकिन मैंने आज इस खबर को जरूर आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। देखिए, साई है एक संस्था है साई। अभी साई क्या है, ये है आपकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आपसे साई का फुल फॉर्म पूछते हैं तो आप बताओगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये अभी इसमें मामला क्या चल रहा है, जो खिलाड़ी होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, जो आपके नेशनल विनर्स होते हैं, वो सब यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एक पिक्चर आई थी दंगल, तो दंगल में क्या होता है, जो विनेश फोगाट या गीता फोगाट थी, वो नेशनल चैंपियन बनने के बाद कहाँ जाती थी, एसआई जाती थी, साई जाती थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, वहाँ इनकी आगे की फर्दर ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना, ओलंपिक गेम्स के लिए, एशियन गेम्स के लिए, अदर गेम्स के लिए होती है। तो यहाँ पे जो खिलाड़ी होते हैं उनके ऊपर उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया, किस पे लगाया है, अपने ही कोच पे लगाया है। तो जो टोटल जो केस हुए थे, मतलब 10 सालों में 2010 से लेकर के 2019 तक टोटल जो है सेक्सुअल हरासमेंट के जो केस दर्ज किए हैं साई ने, वो 45 केस दर्ज किए हैं, ठीक है। 45 केसेस में जो है 29 जो केस हैं, सिर्फ 29 केसेस जो हैं वो केवल इस बात का सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं कि जो उनके कोचेस हैं उन्होंने ही सेक्सुअली हरास किया है। तो ये थोड़ा सा डेटा था जो साई की तरफ से अभी दिया गया है।
अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, साई पूछा गया है कि साई ने सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर केसेस को कितने हफ्तों में निपटाने का फैसला किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हफ्ते। ठीक है, 4 हफ्ते आप लोग लगा लीजिएगा, 4 हफ्ते में निपटाने का फैसला किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए डेटा मैं आपको देता रहता हूँ, डेटा भी उसको पढ़ते रह करिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, अभी हाल ही में किस शहर ने 24x7 मॉल नॉन रेजिडेंट एरियाज को खोलने के लिए सहमति दी है, मतलब अभी किस राज्य ने बेसिकली क्या है, एक्चुअल में ये जिले तक सीमित है, अभी मुंबई तक सीमित है। ठीक है ना, मुंबई ने अभी क्या किया है, 24 घंटे के लिए अपने मॉल हो गए, दुकानें हो गई, या अपने जो बाजार हो गए उनको खोलने का फैसला किया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि महाराष्ट्र के टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, तो आप आदित्य ठाकरे लगाएंगे। यहां से क्वेश्चन बनता है कि महाराष्ट्र के टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, तो टूरिज्म मिनिस्टर लगाएंगे अब आदित्य ठाकरे। अब मैं आदित्य ठाकरे का नाम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यही जो है इन्होंने ही फैसला किया है। ठीक है, महाराष्ट्र की जो मिनिस्ट्री में आदित्य ठाकरे ने फैसला किया है, क्या फैसला किया है कि जो भी मॉल हैं या नॉन रेजिडेंट प्लेस हैं वो 24 घंटे के लिए 24x7 आवर्स के लिए खोले जाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, महाराष्ट्र की जो CM है प्रेजेंट टाइम में, चीफ मिनिस्टर है, वो कौन है, उद्धव ठाकरे हैं। कौन है, उद्धव ठाकरे, तो ध्यान रखना है उद्धव ठाकरे। इसके बाद बात करते हैं इसकी राजधानी क्या है, महाराष्ट्र की मुंबई, ये सभी को पता होगा आप लोगों। ठीक है ना, तो यहां से आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की पेशकश की है, तो अभी हाल ही में यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की पेशकश की है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है, इस्तीफा देने की पेशकश की है। अब यहाँ पे यूक्रेन के PM का नाम आपसे पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री का आपसे नाम पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री का नाम क्या है, ओलेनेस्की गोन चारूक नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि PM के खिलाफ एक वीडियो आया था, उस वीडियो में कुछ आपत्तिजनक बातें थी, तो PM को पसंद नहीं आया। PM ने कहा कि यह जो वीडियो है ये सरासर क्या किया, इसमें टेम्परिंग करी गई है, छेड़छाड़ करी गई है। अब जो वीडियो था उसमें टेम्परिंग करी गई थी या नहीं करी गई थी ये तो बात का मैटर है, पर PM को ये चीज़ पसंद नहीं है, उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ करी गई है और ये राष्ट्रपति के द्वारा ये जो वीडियो है ये पूरे यूक्रेन में स्प्रेड किया जा रहा है, मतलब इनके खिलाफ गलत संदेश दिया जा रहा है PM के खिलाफ। तो PM ने क्या कहा कि अगर ये वीडियो में कुछ भी हुआ हो फिलहाल मैं इस्तीफा देने की पेशकश करता हूं। तो अभी क्या हुआ है, यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। अच्छा, यूक्रेन के बारे में थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन में बनता है, क्योंकि USA के जो है यूक्रेन से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो USA से यूक्रेन के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो यूक्रेन के बारे में क्वेश्चन बन जाता है। USA और यूक्रेन के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, क्या होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका नाम बहुत ध्यान रखिएगा, रैपिड ट्राइडेंट। क्या होती है, रैपिड ट्राइडेंट होती है। रैपिड ट्राइडेंट क्या है, USA और यूक्रेन के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी आपको यहां से ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा यूक्रेन के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, इसकी राजधानी बात कर लेते हैं। राजधानी क्या है, राजधानी है इसकी कीव है, और इसकी मुद्रा क्या है, मुद्रा है इसकी हर्वीनिया। क्या है, हर्वीनिया इसकी मुद्रा है। ठीक है, यहां से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर इसके राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछते हैं तो आप लोग राष्ट्रपति का नाम भी बता दीजिएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की क्या है, इनके राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए हम लोग पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है, सीमेक को लेकर चीन कितने करोड़ रुपए का समुद्री पोर्ट बनाएगा। तो अभी आपको पता होगा, मैंने आपको पिछले बार भी बताया था सीमेक क्या होता है, सीमेक होता है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना और म्यांमार के बीच में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है, उसका नाम क्या है, सीमेक है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि सीमेक जो है उसके लिए बहुत सारी, एक तो रोड बेल्ट बना रहा है और उसके पास साथ समुद्री बेल्ट भी बना रहा है, तो अभी पोर्ट बनाने के लिए 1.33 बिलियन डॉलर
1.3 बिलियन डॉलर का जो है क्या किया है, एक आपको ऋण देगा, ठीक है ना। इतने का एमओयू साइन किया है, इतने बिलियन डॉलर का एमओयू साइन किया है। किसके लिए किया है? डीप सी पोर्ट बनाने के लिए, डीप सी पोर्ट, सी पोर्ट, ठीक है। आपको पता है कि चाइना की हमेशा एक नीति रहती है कि जिस भी देश से रोड बेल्ट बनाता है वहां पे अपना एक पोर्ट बना देता है। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया था, ठीक है ना। तो भारत ने क्या किया, ईरान में अपना चाबहार पोर्ट बना दिया। अब देखते हैं कि भारत क्या करता है इसके काउंटर अटैक में, क्या करता है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। आगे ये है कि $4 बिलियन का एक डेप्ट भी दिया है, $4 बिलियन का क्या किया है चाइना ने। अगर आपसे पूछ सकते हैं कि कितना डेप्ट दिया है, तो $4 बिलियन का भी चाइना ने क्या किया है, म्यांमार को ये डेप्ट दिया है, कुछ उधार भी दिया है, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, म्यांमार के बारे में बता चुका हूँ, जो म्यांमार की राजधानी है वो क्या है, नेपिटो है। म्यांमार की मुद्रा क्या है, बर्मीज क्यात, ठीक है। और उसके राष्ट्रपति कौन है, विन मिंट है। ये तीनों बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। छठे क्वेश्चन में चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। छठा क्वेश्चन कहता है, थल सेना के नए वाइस चीफ कौन बनाए गए हैं। तो थल सेना के नए वाइस चीफ बनाए गए हैं जनरल एस के सैनी जी बनाए गए हैं, जनरल एस के सैनी जी कौन बनाए गए हैं, ये वाइस चीफ बनाए गए, वाइस चीफ। अभी चीफ कौन है प्रेजेंट टाइम में, चीफ कौन है आप लोग बताइएगा, चीफ कौन है, जनरल एम नरवणे। अपने थल सेना के चीफ कौन है, जनरल एमएम नरवणे है, और वाइस चीफ कौन है, एस के सैनी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो आपके वायुसेना, जल सेना और थल सेना के तीनों पूछा जाते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो आप सभी को पता होगा कौन है, जनरल बिपिन रावत जी हैं, ठीक है। और अभी 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था, वो मनाया गया था आपका थल सेना दिवस मनाया गया था। चलिए सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। परशुराम कुंड मेला किस राज्य में आयोजित हुआ है। परशुराम जो कुंड मेला है वो एपी में आयोजित हुआ है। अब एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश मत लगा दीजिएगा, ठीक है। तो एपी में हुआ है, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी यहीं पर मनाया जाता है, ठीक है ना। हॉर्नबिल फेस्टिवल आता है आपका, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल भी यहीं पे मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी यहीं पे मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो भी यहीं पे मनाया जाता है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश से। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, गवर्नर की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, गवर्नर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी हैं, ठीक है, ये हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी, कौन हैं इसके अरुणाचल प्रदेश के इसके गवर्नर हैं। आप लोग सीएम का नाम बताइएगा, और हाँ अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भी बताइएगा आप लोग, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवें क्वेश्चन कहता है, कैंपबेल बे नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, या किस राज्य में या किस यूनियन टेरिटरी में स्थित है। आप लोग बता सकते हो, 9 यूनियन टेरिटरी हैं, उनमें किस में शामिल है आपका कैंपबेल बे नेशनल पार्क। तो ये जो नेशनल पार्क स्थित है ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह है जहां पे ये स्थित है, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, ठीक है। अब थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि जो है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये कितने छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। तो ये बहुत ध्यान रखना है, ये 300 छोटे छोटे द्वीप हैं, उनका आइलैंड है, उनका ये बेसिकली मिला करके ये पूरा आइलैंड क्या बनता है, अंडमान निकोबार आइलैंड बनता है, ठीक है। दूसरी यहाँ पर बात ये आती है कि जो ये द्वीप है ये किस तरह का द्वीप है, तो आपको दिखाना है लावा द्वीप है। ये कैसा द्वीप है, लावा द्वीप है। अब लावा द्वीप का क्या मतलब होता है, जो आपका क्या कहते हैं ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी के जो लावे से बना हुआ द्वीप है ये बेसिकली, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको लिए बनाता हूँ कि लक्षद्वीप जो है वो कैसा द्वीप है, तो लक्षद्वीप जो है वो मूंगा द्वीप है, कोरल लीफ से बना हुआ है,
जो मूंगे होते हैं, मूंगे से बना हुआ द्वीप है या कोरल लीफ से बना हुआ द्वीप है, ठीक है। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग पढ़िएगा, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, नाइन्थ क्वेश्चन कहता है कि बिम्स्टेक देशों के बीच कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। तो बिम्स्टेक जो है वो देशों के बीच में जो मिलेक्स एक्सरसाइज होती है, बहुत ध्यान रखिएगा, मिलेक्स जो एक्सरसाइज होती है वो मिलेक्स, एम आई एल ई एक्स, अब इसका कोई फुल फॉर्म मत बनाइएगा, ठीक है ना, मिलेक्स एक्सरसाइज होती है ये बिम्स्टेक देशों के बीच में होती है। अच्छा बिम्स्टेक देश होते क्या है, बिम्स्टेक देश होते क्या है, पहले ये जानना ठीक है। बे ऑफ बंगाल के, आपको पता होगा भारत के पूर्व में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और पश्चिम साइड में क्या है, अरब सागर है। तो जो बे ऑफ बंगाल के आसपास के जितने भी देश हैं वो किस में आते हैं, बिम्स्टेक में आते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो सात देश आते हैं, जैसे भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा आपका क्या कहते हैं भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, आप लोग बताइएगा, आप लोग देखिए, आप लोगों को ना जो मैप है वो बहुत अपने दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि भारत के ऊपर कौन है, भारत के नीचे कौन है, ठीक है ना। एशिया हर को क्या कहते हैं, बेसिकली हर एक कॉन्टिनेंटल का मैप अपने दिमाग में याद होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को करना। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, श्रीलंका और एक और देश रह गया, सातवां है थाईलैंड। तो ये जो देश हैं थाईलैंड, ठीक है, जो सात देश हैं ये बेसिकली बिम्स्टेक के क्या हैं, परमानेंट सदस्य हैं। तो परमानेंट सदस्य यही हैं, तो इन्हीं सात देशों से मिलकर क्या बना हुआ है, बिम्स्टेक बना हुआ है। अच्छा बिम्स्टेक का कुछ लोग कभी कभी फुल फॉर्म पूछते हैं, तो मैं बता देता हूँ बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, थोड़ा सा बड़ा लिख लीजिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, इतना बड़ा नाम है कभी कभी मैं भी भूल जाता हूं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बे ऑफ बंगाल फॉर इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये बिम्स्टेक का जो है वो फुल फॉर्म है। तो बिम्स्टेक जो है वो कब बना था ये भी आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं। तो बिम्स्टेक जो बना था 1997 में बना था, 1997 में बना था। उसका मुख्यालय कहाँ पे है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मुख्यालय कहाँ पे है बिम्स्टेक का, ये जो मुख्यालय है ये है आपका बांग्लादेश में, ठीक है, फोर्थ नंबर पे बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। चलिए हम लोग दसवें क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। दसवें क्वेश्चन पे चलते हैं, दसवें क्वेश्चन कहता है अभी हाल ही में किस क्रिकेटर की मृत्यु हो गई है। तो अभी हाल ही में जो है अश्विनी कुमार चोपड़ा की मृत्यु हो गई है। अश्विनी कुमार चोपड़ा, बहुत ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है अश्विनी कुमार चोपड़ा कौन थे। तो अश्विनी कुमार चोपड़ा तीन चीज थे भाई, तीन चीज कैसे हो सकता है एक आदमी, जी हाँ हो सकता है, पहले तो क्रिकेटर थे, ठीक है, क्रिकेटर थे, दूसरे ये एडिटर भी थे, न्यूज़पेपर में एडिटर थे, ठीक है, इन्होंने एडिटर के तौर पे भी काम किया है और बाद में इन्होंने एमपी के तौर पे भी काम किया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर सांसद बोलते हैं हिंदी में, सांसद के तौर पे भी काम किया है। हरियाणा के करनाल जिले से 2014 में ये इलेक्ट हुए थे लोकसभा में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्रिकेटर थे, एडिटर थे और एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। इनका जन्म कब हुआ था वैसे पूछेगा नहीं, 1956 में, और मृत्यु कब हुई थी 2020 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतनी सी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग बता सकते हो, लाइक कर सकते हो, लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, और दूसरों को शेयर करिएगा, ठीक है। तब तक भी चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।